स्मार्टफोन्स के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर गैजेट लैपटॉप्स ही हैं और लैपटॉप्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, गेमर्स, बिजनेसमैन, ये जो सभी लोग होते हैं सभी लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि कोई पढ़ने के लिए यूज़ करता है, कोई गेम खेलने के लिए यूज़ करता है और कोई मेरी तरह एडिटिंग के लिए यूज़ करता है। तो ये जो इतने सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो चलिए पता करते हैं कि इनकी जो कंपनीज हैं वो कौन से रैंक पे स्टैंड करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं दुनिया की टॉप 6 लैपटॉप ब्रांड्स के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लिस्ट में 6 नंबर पे आती है एसर, जो कि एक टैवनीज कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट शेयर 6.8% है। और इसके एसर एस्पायर और एसर नाइट्रो लैपटॉप्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है मार्केट में, मतलब कि बजट रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं ये। और गेमर्स के लिए इनके पास एक स्पेशल प्रेडिटर सीरीज़ है और गेमर्स के बीच इनकी प्रेडिटर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और यही एक रीज़न है कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे पाना, जिसकी वजह से एसर इस लिस्ट में 6 नंबर पे आती है। इसके बाद नंबर आता है असूस का, जो कि एक और टाइवानीज कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट शेयर है 6.9%, मतलब कि एसर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा। और ख़ास बात इनके लैपटॉप्स की यह है कि काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ होते हैं, और तो और इनके लैपटॉप स्पेस में भी जा चुके हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी जा चुके हैं इनके लैपटॉप्स। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ होने के साथ साथ ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लैपटॉप्स भी बनाती है और इनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और अगर हम असूस के लैपटॉप्स को देखें तो इनकी जो जेन बुक और वीवो बुक है वो थिन एंड लाइट कैटेगरी में आती हैं, और इस कैटेगरी में ये लैपटॉप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनकी प्राइसिंग भी कंपटीशन वाली कंपनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। और गेमर्स के लिए जो इनकी ROG यानी रिपब्लिक ऑफ गेमर्स सीरीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है, और इस सीरीज़ में काफ़ी अलग अलग लैपटॉप्स भी आते हैं। वही बात की जाए इनकी बजट रेंज में गेमिंग सीरीज़ वाले लैपटॉप्स की, तो यहाँ पे इनकी TOF यानी टफ सीरीज़ के लैपटॉप्स आते हैं। तो यही एक रीज़न है कि काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी कम प्राइस में ऑफ़र करते हैं ये लोग, और तो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी प्रोवाइड करते हैं लैपटॉप्स में ये लोग, और इसी वजह से ये दुनिया की 5th मोस्ट पॉपुलर लैपटॉप कंपनी हो जाती है। तो अब इसके बाद नंबर आता है एप्पल का, जो कि एक US बेस्ड कंपनी है और इसके लैपटॉप मार्केट्स में शेयर 8.5% है। और इसके पॉपुलर लैपटॉप सीरीज़ की बात की जाए तो वो है मैकबुक, मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो। और मैकबुक्स मार्केट में इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि जिन लोगों को मैकOS और मैकOS से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना है तो उनके पास सिर्फ मैकबुक ही एक ऑप्शन है। ऊपर से अगर कोई मैकबुक ले लेता है तो उसको जो एप्पल का ब्रांड मिलता है, जो प्रीमियमनेस मिलती है। और अगर हम रिसेंटली लॉन्च मैकबुक प्रो की बात करें तो वो एक स्पेशल लैपटॉप है जो कि सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाया गया है, जो कि एक परफॉर्मेंस बीस्ट है, मतलब कि जिन लोगों को एक हाई परफॉर्मेंस मशीन चाहिए जो कि मैकOS पे चले और थिन एंड लाइट भी हो और उसकी बैटरी भी ज़्यादा चले, तो उन लोगों के लिए मैकबुक प्रो को बनाया गया है। तो एप्पल का जो ब्रांड नेम है और जो मैकOS है, इन दोनों चीज़ों की वजह से एप्पल इस लिस्ट में 4th नंबर पर आती है। क्योंकि उनके लैपटॉप्स कुछ ज़्यादा ही महंगे होते हैं, बट मैकबुक यूज़र के हिसाब से वो वर्थ इट होते हैं। तो यहाँ पर 3rd पोजीशन आती है लेनोवो की, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट शेयर है 18.0%। और लिनोवो के लैपटॉप्स की खास बात यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और इतने महंगे भी नहीं होते। ऊपर से रफ़ एंड टफ सेगमेंट की बात की जाए तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं लिनोवो के लैपटॉप्स। यहाँ तक कि बिज़नेस साइड की बात की जाए तो बिज़नेस मैन ज़्यादातर लिनोवो की थिंक पैड सीरीज़ को यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि इन लैपटॉप्स की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है। बट अगर वही बात की जाए कि कंज्यूमर्स के लिए इनके पास क्या है, तो यहाँ पे इनके पास है टच स्क्रीन योगा बुक। टच स्क्रीन कैटेगरी में ये लैपटॉप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए उनके पास है आइडिया पैड, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सक्सेसफुल होता है, मतलब कि लिनोवो Tier 1 ब्रांड के रूप में सामने आता है और अपनी ब्रांड वैल्यू और कम प्राइसिंग में अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप्स प्रोवाइड करने की वजह से ये इस लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है। अब अगर हम 2nd पोजीशन की बात करें तो वो है डेल, जो कि एक US बेस्ड कंपनी है और इसका मार्केट शेयर है 20.5%। तो अगर डेल की बात की जाए तो वो डेफिनेटली एप्पल जितनी पॉपुलर है, लेकिन उतने महंगे लैपटॉप्स नहीं बनाती, बल्कि ये काफ़ी अलग अलग क्वालिटीज़ के लैपटॉप्स को प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात जो डेल के लैपटॉप्स के साथ है वो है डेल की ब्रांड वैल्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। इवन कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, मतलब कि सर्विसिंग के मामले में डेल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसीलिए वो लिस्ट में 2nd नंबर पे आता है।
तो अगर हम उनके कुछ पॉपुलर लैपटॉप्स के बारे में बात करें, जनरल पर्पज़ के लिए उनके पास है इंस्पायरल सीरीज़, बिजनेस सीरीज़ में उनके पास है लैटिट्यूड सीरीज़, और गेमर्स के लिए उनके पास है एलियन वेयर सीरीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मार्केट को हिट करते हैं। गेमिंग लैपटॉप्स की कैटेगरी में डेल के एलियन वेयर लैपटॉप्स बेस्ट कैटेगरी के लैपटॉप्स माने जाते हैं। इवन के थिन एंड लाइट और हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स की कैटेगरी में उनके पास है XPS सीरीज़। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी है और हर यूज़र के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। और अपनी आफ्टर सेल सर्विस और अपनी जो ब्रांड वैल्यू है इसकी वजह से डेल आती है इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे। तो अब हम बात करते हैं दुनिया की नंबर वन लैपटॉप कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट शेयर है 25% और इस कंपनी का नाम है HP जो कि एक US बेस्ड कंपनी है। और HP के बारे में खास बात ये है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है ये लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की इस टाइम पे। और इसी वजह से लैपटॉप्स की कैटेगरी में HP दुनिया में इस टाइम भी नंबर वन पोजीशन पे आती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनके लैपटॉप्स की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, मतलब कि सस्ते से लेके काफ़ी ज़्यादा महंगे लैपटॉप्स भी ये बनाते हैं। प्रीमियम लैपटॉप्स के बारे में बात करें तो HP NV सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, गेमिंग सीरीज़ में उनकी HP ओमन सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इवन के नॉर्मल डे टू डे यूजेज़ के लिए जो इनकी HP एविलियन सीरीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और तो और HP के लैपटॉप्स की खास बात ये रहती है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और जब भी कोई HP का लैपटॉप लेता है तो उसे HP की ब्रांड वैल्यू भी मिलती है, HP की सेल सर्विस भी मिलती है, और इसी वजह से HP नंबर वन हो जाती है। और बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी अच्छी रेंज है HP के प्रोडक्ट्स की, काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू आपको देखने को मिलती है, और नो डाउट इसी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम से नंबर वन पोजीशन पे बने हुए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में वही नंबर वन रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी लिस्ट दुनिया की टॉप 6 लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की। तो इनमें से आप कौन सी कंपनी का लैपटॉप यूज़ करते हैं और कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा पसंद है, तो ये बात नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए।